हेलो एवरीवन, हियर आई एम टुडे विद अनदर स्कूप ऑफ ज्ञान। और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रेपर के बारे में। लेकिन पहले ये जानते हैं कि स्काई स्क्रेपर आखिर होता क्या है। स्काई स्क्रेपर इस टर्म को इनिशियली यूज किया जाता था ऐसी बिल्डिंग्स के लिए जो 15 से 20 मंजिल की होती थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत तक 40 से 50 मंजिला इमारतों को स्काई स्क्रेपर का नाम दिया जाने लगा। पुराने जमाने में ये ऊंची मंजिलें मोस्टली राजा महाराजाओं के लिए ही बनाई जाती थी, पर 19वीं शताब्दी के दौरान जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बड़ी संख्या में लोग शहरों की तरफ जाने लगे। उनके लिए ऑफिस स्पेसेस और रेजिडेंशियल एरियाज को प्रोवाइड करने के लिए बहुमंजिला यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। यही इमारतें जब 45 से 50 मंजिलों से ऊंची बनने लगी तो इन्हें स्काई स्क्रेपर का नाम दिया गया। सो बेसिकली आज के दौर में ऐसी बिल्डिंग्स जिनकी हाइट 340 मीटर यानी 1120 फीट या उससे ज्यादा हो उन्हें स्काईस्क्रेपर्स के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट 1884 में दुनिया का सबसे पहला स्काईस्क्रेपर बना द शिकागो होम इंश्योरेंस। इसके बाद ना जाने कितनी ही ऐसी गगनचुंबी इमारतें बनी, लेकिन 6 जनवरी सन 2004 में एक ऐसे स्काईस्क्रेपर की नींव रखी गई जो आज तक की इन सभी इमारतों से अलग थी। यस, दिस वन पर्टिकुलर स्काईस्क्रेपर माय फ्रेंड्स इज होम नॉट ओनली टू द रेजिडेंशियल एरियाज एंड ऑफिसेस बट आल्सो टू होटल्स एंड टू एन ओपन एयर डेक। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इसी बिल्डिंग में है एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट इट होल्ड्स 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन इट्स नेम। यस, यू गेस्ड इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट बुर्ज खलीफा। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट बुर्ज खलीफा और इसको बनाने के पीछे क्या कारण था, ये ही जानेंगे हम आज के ज्ञान स्कूप में। ये तो सभी जानते हैं कि 1990 से पहले दुबई ऑयल फील्ड्स के लिए मशहूर था, लेकिन विद टाइम वहां के विजनरी रूलर्स ने ये रियलाइज किया कि क्रूड ऑयल एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है एंड इन द लॉन्ग रन एक सीमित संसाधन पर अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिपेंडेंट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए और दुबई को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में वर्ल्ड मैप पर इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एक ऐसी यूनिक चीज की जरूरत थी जो यूनिवर्सल अटेंशन को दुबई पर फोकस करे, और वो चीज उन्हें मिली बुर्ज खलीफा के रूप में। आइए अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा की यूनिक क्वालिटीज की। क्यों आज तक कोई इतनी ऊंची इमारत नहीं बना पाया और इसके डिजाइन में ऐसी क्या खासियत है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बुर्ज खलीफा का डिजाइन बहुत ही इनोवेटिव है। इस डिजाइन को बटरिस्ट कोर कहा जाता है। शिकागो में बेस्ड प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल फर्म स्किडमोर ओइंग्स एंड मेरिल SOM द्वारा ये डिजाइन इंट्रोड्यूस किया गया था। सस्टेनेबल स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए ट्राइपोड शेप यानी वाई शेप में बनाया हुआ ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे ऊपरी मंजिलों पर होने वाले हवा के दबाव यानी एयर प्रेशर को कम किया जा सकता है, विच इज अ नेसेसिटी फॉर सच इनक्रेडिबली टॉल बिल्डिंग्स। बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन यानी नींव को मजबूती देने के लिए कंक्रीट और स्टील के 192 कॉलम्स को जमीन की 50 मीटर गहराई तक लगाया गया है, जिससे ये बिल्डिंग ऊपरी फ्लोर के वेट्स को आराम से कैरी कर सके। इतना ही नहीं, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस बिल्डिंग एंड इट्स रेजिडेंट्स, हर 25 फ्लोर के बाद एक एयर कंडीशन्ड और प्रेशराइज्ड रिफ्यूज एरिया भी बनाया गया है जिसमें आप धुएं से सुरक्षित रह सकते हैं एंड इन द मीन टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट किया जा सकता है। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ दिस अमेजिंग स्ट्रक्चर। अगर एक्सटीरियर्स की बात करें तो बुर्ज खलीफा की बाहरी दीवारों पर 1,00,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास लगाया गया है और दुनिया की सबसे बड़ी LED स्क्रीन भी आपको यहां देखने को मिलेगी। इस स्क्रीन पर ना केवल एडवर्टीजमेंट्स और कोट्स डिस्प्ले किए जाते हैं बल्कि फिल्म्स के ट्रेलर्स भी दिखाए जाते हैं। इसके अलावा उद्योग जगत तथा मशहूर फिल्मी हस्तियों के बर्थडे पर विशेष इस पर डिस्प्ले की जाती हैं। हाल ही में इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त 2023 को हमारे तिरंगे झंडे को भी इस स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट किया गया था।
2010 में बुर्ज खलीफा का इनॉग्रेशन किया गया और तब से अब तक सालाना लगभग 1,70,00,000 विजिटर्स को होस्ट करने वाली ये बिल्डिंग 621 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हर साल जनरेट करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इट हैज बीन नॉट ओनली एन इनक्रेडिबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग बट ऑल्सो अ सिंबल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन अचीवमेंट। Although other nations too are trying to attempt the unachievable feat of making a building taller than Burj Khalifa, and the announcements too regarding the same have been made so far, lekin agar experts ki mane to aane wale 20 se 25 saalon tak koi bhi desh Burj Khalifa ke record ko todne wala skyscraper nahi bana payega. आशा करती हूँ कि आपको आज का ज्ञान स्कूप पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सी यू सून विद अनदर स्कूप ऑफ ज्ञान।